सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त फोटो वायरल हो रही है जिसने सभी को हैरान और परेशान कर रखा है। वायरल फोटो एक पिकअप की है जिसका आगे का हिस्सा पेड़ के ऊपरी सतह पर रखा था और पीछे का जमीन पर। फोटो देखने वाले भी कंफ्यूज रहे कि आखिर पिकअप पेड़ पर चढ़ी कैसे। दरअसल मामला यूपी के बहराइच जिले का है। यहां उड़ा बाजार से रविवार को मुर्गा उतार कर पिकअप में ही पुरवा की ओर लौट रही थीं। पिकअप जैसे ही नानपारा लखीमपुर हाईवे पर नैनिहा गांव के जंगल के पास पहुंची तो ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद पिकअप सीधे जंगल में खड़े एक पीड़े से जा टकराई। पिकअप की स्पीड इतनी थी कि उसका अगला हिस्सा पेड़ पर त्रिभुजाकार में टिक गया जबकि पिछला हिस्सा भूमि पर टिका रहा। वाहन में चालक सहित सवार उस पर सवार दो लोग चोटिल हो गए। मिहींपुर व इलाके में हैचरी से मुर्गा की आपूर्ति बहराइच व नानपारा इलाके से जालीदार पिकअप वाहन से होती है। रविवार सुबह 9 बजे के आसपास चालक उड़ा में मुर्गों की आपूर्ति कर तेज रफ्तार से मिहींपुर जा रहा था। नानपारा लखीमपुर हाईवे पर नैनिहा जंगल के में तेज गति के कारण अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे जंगल में लगे पेड़ से टकराया। अगला हिस्सा त्रिभुजाकार में पेड़ के ऊपर टिक गया। चालक सहित दो लोग किसी तरह कूदकर नीचे उतरे। उनके थोड़े पर चोटें आई है। लापरवाही से वाहन से हुई दुर्घटना के चलते चालक सहित दोनों लोग मौके से भाग गए। चालक व उसके साथी की तलाश में पुलिस मोतीपुर व नानपारा CHC खंगाल चुकी है। मिहींपुर व आसपास के लोगों ने बताया कि मुर्गा आपूर्ति करने वाले वाहनों की बिक्री प्रतियोगिता के चलते काफी तेज गति में दौड़ाते हैं जबकि इनकी तूफानी गति से आए दिन दुर्घटना होती है। पेड़ पर त्रिभुजाकार टंगे वाहन को देखने के लिए आने जाने वाले राहगीरों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है।